मंत्री जी, फर्रुखाबाद जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है, बहुत से किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, क्या मुआवजा मिल पाएगा उन्हें? मिल पाएगा बिल्कुल, सबको गवर्नमेंट ने तय किया है, जिनका बाढ़ से प्रभावित है उन सबको मुआवजा मिलेगा, कोई भी छूटेगा नहीं। यहाँ पे खाद की बहुत समस्या चल रही है, आरोप लगाने कालाबाजारी जो है वो खाद की चल रही है, क्या खाद की कालाबाजारी जो है वो नष्ट की जाएगी? आज इस समय खाद की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है, यहाँ एक रैक यहाँ के लिए ही इटावा में खड़ी है, जैसे यहाँ जगह मिलेगी तुरंत आ जाएगी, इतनी खाद यहाँ पूरी हो जाएगी, खाद की कोई जरूरत, खाद की कालाबाजारी या खाद की कमी की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? हमारा तो एक ही मुद्दा है, हम विकास का मुद्दा, भाईचारे का मुद्दा, इस देश को आगे ले जाने का मुद्दा, यही हमारा मुद्दा है। करोड़ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं इनके सब के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, किसी के बिल्कुल आंसू ना आए, ये हमारी सरकार चाहती है। तुम कष्टकारी कर रहे हो तो कष्टकार जानती है, कब्र घाल मुर्दे जानती है।